सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जूलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस हमें पता है कि ये दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत जो शुक्राणुजनन की जो क्रिया होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसे आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आधा टॉपिक हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस मेल मनुष्य के अंतर्गत टेस्टिस में होने वाली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत यानी मेल में मेल गैमेट या कहीं स्पर्म के निर्माण की क्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, यानी शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्राणुजनन कहा जाता है। और जो कि टेस्टिस के भीतर सेमिनिफेस्टिबल्स में ये संपन्न होती है, और इसे हम मुख्य रूप से स्पर्मेटोजेनेसिस को दो मुख्य भागों में हम बांटते हैं। एक तो कहलाता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, या इसे हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, यानी इस क्रिया में पहले स्टेप में जो स्पर्म मदर सेल्स होती है, जो जर्म सेल्स होती है, उनसे स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। और दूसरा में स्टेप होता है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके अंतर्गत स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, गोनेट्स होते हैं, जिसमें कि अनेक गोलाकार सेमिनिफेस्टिबल्स पाई जाती है, उनके भीतर यानी शुक्राणु नलिकाओं के भीतर, ट्यूबल्स के भीतर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो निरंतर चलती रहती है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, टेस्टिस के भीतर सेमिनिफेस्टिबल्स में जो जर्म सेल्स होती है, जो पीजीसी सेल्स होती है, माइटोसिस के द्वारा बार बार डिवाइड होती हैं और बनने वाली कोशिकाएं डिप्लोइड होती है, उन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोकोनियम। और हम जानते हैं कि ये पहली अवस्था जो होती है जिसमें सेल्स बार बार डिवाइड होती रहती है, उसे हम गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज हम कहते हैं। उसके बाद में जो स्पर्मेटोकोनियम सेल होती है ये ग्रोथ फेज में प्रवेश करती है, और वहाँ ग्रोथ फेज में यह सेल आकार में काफी बड़ी हो जाती है, जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ फेज के बाद में मैच्यूरेशन फेज में प्रवेश करती है, और मैच्यूरेशन फेज में इसमें दो डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन इसमें मियोसिस होता है, जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेल बनती है, जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। इस प्रकार जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे एक तो ये और एक ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, और उसके बाद में इनमें सेकेंड जो मैच्यूरेशन डिवीजन होता है वो माइटोसिस प्रकार का होता है, जिससे प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बनते हैं, इधर इससे भी दो। इस तरह से पहला जो स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का, जो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। इस प्रकार पहला स्टेप कंप्लीट होता है, इसे हम कल भी पढ़ चुके हैं, और एक बार फिर से मैंने आपको इसको शॉर्ट में इसको बताया है। ये जो स्पर्मेटिड है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने हैं, और एक सेल से चार बनते हैं, और ये इस स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना, इसमें रूपांतरण कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और होता क्या है, देखने में क्या है कि जो स्पर्मेटिड है इसका आकार गोल होता है, ये गोलाकार होता है, पूंछहीन होता है या फ्लैजिला वगैरह नहीं पाए जाते, गतिहीन होता है, यानी ये गैमेट की तरह बिहेव नहीं करता, जबकि हैप्लोइड होता है, ये हैप्लोइड सेल है लेकिन गैमेट की तरह बिहेव नहीं करता है। और इस गोल और गतिहीन कोशिका का गतिशील और लंबे स्पर्म में इसका रूपांतरण, इसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। यानी यह जो कोशिका है, जो स्पर्मेटिड है, इसका स्पर्म में रूपांतरण स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, स्पर्मियोजेनेसिस यानी
जो स्पर्मेटिड सेल होती है वो राउंडेड सेल होती है, गोलाकार कोशिका होती है और वो स्पर्म की तरह बिहेव नहीं करती है, और उस कोशिका का स्पर्म में जो मॉडिफिकेशन है, जो रूपांतरण है, उसे ही हम स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। इस चित्र में आप देखिए, ये राउंड सेल है जिसे हम स्पर्मेटिड कहते हैं, जिसमें कि केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है, सब कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान यह कोशिका इस प्रकार के स्पर्म में बदल जाती है और इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ये कोशिका भी हैप्लोइड है जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनती है, यानी पहले स्पर्मेटोगोनियम बनती है, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे फिर दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होता है जिससे कि चार स्पर्मेटिड बनते हैं, और ये चारों स्पर्मेटिड स्पर्म से पहले की अवस्था है और इनका इस सेल में रूपांतरण, स्पर्म में रूपांतरण, ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, इस मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म है उसमें तीन भाग होते हैं मुख्यतः, ये तो हेड पार्ट होता है, एक मिडल पार्ट होता है और उसका टेल पार्ट होता है, तीन भाग होते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये स्पर्मेटिड है जिसका आकार गोल है, इसमें कहीं पर भी हेड या मिडल पार्ट या टेल वाले भाग नहीं है, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा ये कोशिका धीरे धीरे ये लंबी होती जाती है और इसमें कुछ संरचनाएं बाहर निकाल दी जाती है और कुछ नई संरचनाएं इसमें डेवलप होती है, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। यानी जो स्पर्मेटिड है उसमें हेड का निर्माण होगा, उसमें मिडिल पार्ट का निर्माण होगा, उसमें टेल का निर्माण होगा, ये चेंजेस इसमें आएंगे, कुछ परिवर्तन आएंगे और उसके द्वारा बाद में ये स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया आपको, एक तो इसमें हेड का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ हेड होगा, और हेड पार्ट जो होता है मुख्य रूप से केंद्रक से और एक्रोसोम से बना होता है। स्पर्म का जो हेड होता है उसमें एक्रोसोम पाया जाता है तो, और एक उसमें न्यूक्लियस होता है। तो इससे स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जो न्यूक्लियस की जो शेप होती है उसमें बदलाव होता है। सामान्यतः केंद्रक जो होता है वो गोल होता है, लेकिन जो स्पर्मेटिड का जो गोल केंद्रक है वो धीरे धीरे लंबा होता जाता है, धीरे धीरे वो लंबा होगा। केंद्रक में जो आनुवंशिक पदार्थ है, जो डीएनए है, उसके अलावा जो अनावश्यक पदार्थ है, भले ही न्यूक्लियस हो या आरएनए हो या पानी हो या न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये सारा पदार्थ है वो बाहर निकाल दिया जाता है और केंद्रक में सिर्फ डीएनए रहता है। ये चेंजेस स्पर्मेटिड जब स्पर्म में जब उसका उसमें बदलाव होता है, तो मॉडिफिकेशन होता है जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं, तो ये सारे परिवर्तन कब होते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान होते हैं जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है। जैसा कि पहले मैंने बताया, सबसे पहले जो फॉर्मेशन ऑफ हेड, सिर वाले भाग का जो निर्माण होता है, उसमें शीर्ष वाले भाग में एक तो केंद्रक होता है, एक्रोसोम होता है। केंद्रक में क्या क्या बदलाव होते हैं कि केंद्रक की जो संरचना है वो थोड़ा इलोंगेट या लंबा हो जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, पानी है, या जो आरएनए है या न्यूक्लियोलस है, ये सारे पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं और केंद्रक में सिर्फ डीएनए पदार्थ ही रहता है। इसके अलावा जो लास्ट का जो पार्ट होता है स्पर्म में, उसमें टेल या फ्लैजेलम पाया जाता है, इसका निर्माण भी स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान होता है, वो डिस्टल सेंट्रियोल से होता है। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम भी बनता है। और एक्रोसोम कैसे बनता है, इस चित्र में आप देखिए, ये स्पर्मेटिड है और इसमें केंद्रक होता है, केंद्र के चारों तरफ यहाँ साइटोप्लाज्म में अनेक माइटोकॉन्ड्रियन भी होते हैं, गोल्जी बॉडी भी है, और धीरे धीरे ये जो गोलाकार स्पर्मेटिड है इसका आकार धीरे धीरे इस तरह से होने लगता है, ये धीरे धीरे ये लंबा होने लगता है, ये सेल धीरे धीरे से लंबी होने लगती है। और होता क्या है कि यहाँ जो गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी यहाँ केंद्रक के आगे एक्रोसोम का निर्माण करती है, एक्रोसोम वेसिकल यहाँ टिप पे यहाँ सेट हो जाती है, जिससे एक्रोसोम का निर्माण होता है। और यहाँ केंद्रक या कहें साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में सेंट्रोसोम पाया जाता है जिसमें कि दो सेंट्रियोल होते हैं, और इन दोनों सेंट्रियोल में से एक जो सेंट्रियोल है वो केंद्र के पीछे आके सेट हो जाता है, जिसे हम प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलेंगे।
दूसरा इसके पीछे आगे सेट हो जाता है जिसे डिस्टल सेंट्रियोल बोलेंगे, और डिस्टल सेंट्रियोल से आगे चलकर जो टेल होती है स्पर्म की, उसका एक्सियल फिलामेंट जो है, एक्सियल फिलामेंट वो डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है। इस प्रकार सेल धीरे धीरे से लंबी होती जाती है और डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलकर बाहर आ जाता है, जिससे कि टेल का निर्माण होता है। और जो एक्रोसोम होता है वो केंद्र का आगे का भाग पूरा कवर कर लेता है, और माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं वो पीछे जो एक्सियल फिलामेंट है उसके पीछे आकर दोनों साइड में सेट हो जाते हैं, और धीरे धीरे से ये संरचना ऐसी हो जाती है। इस प्रकार से स्पर्म का जो हेड और मिडल पार्ट और टेल वाला भाग है वो उसका निर्माण हो जाता है। चित्र में देखिए आप एक बार फिर से मैं आपको एक्रोसोम जो कैसे बनता है उसके बारे में बताऊंगा। ये जो न्यूक्लियस है, स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस का आधा भाग यहाँ दिखाया गया है चित्र में, और केंद्र के पास में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो इस तरह से आके व्यवस्थित हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ट्यूब्यूल्स होती है, वेसाइकल्स होती है, वेकुल्स होती है, धीरे धीरे क्या होता है कि इनके बीच में एक ग्रेन्यूल्स जो वेक्यूल्स होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, उसके श्राव से उसके भीतर एक छोटी सी कणिका विकसित होती है जिसे हम प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स है, और धीरे धीरे आगे चलकर इसका आकार है वो बढ़ता जाता है, इसका प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का, आगे चलकर इसे हम एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहेंगे। ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहलाती है, एक्रोसोमल कणिका कहलाती है। और उसमें बाद में ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स होती है वो न्यूक्लियस के अग्र भाग पर टिप पर यहाँ आगे सेट हो जाती है, और धीरे धीरे इसके आकार में वृद्धि होती रहती है। और कुछ समय बाद में ये जो ग्रेन्यूल्स होती है वो न्यूक्लियस के आगे का जो भाग होता है, टिप वाला जो भाग होता है, उसको ये धीरे धीरे इस तरह से कवर करते हैं। इसे अब हम एक्रोसोम, ये एक्रोसोम है क्योंकि जो मेल गेमिट, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद मेल गेमिट बनेगा, यह मेल गेमिट फीमेल गेमिट यानी ओवम को फर्टिलाइज करेगा और उसके भीतर प्रवेश करेगा। इसलिए जो केंद्र का जो आकार है, इसमें देखिए आप यहाँ गोलाकार केंद्र था, धीरे धीरे न्यूक्लियस का जो आकार है वो चेंज हो रहा है और केंद्र का आकार इस तरह से ये लंबा हो गया, और इसके टिप पर यहाँ एक्रोसोम वो सेट हो जाता है। और इस एक्रोसोम में अनेक प्रकार के लाइटिक प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि फीमेल गैमेट यानी ओवम उसको पेनिट्रेट या उसको भेजने का काम करें। इस तरह से जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होता है, यानी जो स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जब हेड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ हेड का जब होता है, उसमें न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं वो मैंने बता दिया आपको, और एक वहाँ एक्रोसोम का निर्माण होता है। एक बार फिर से इस चित्र में आप देखिए, ये स्पर्मेटिड है, ये इस पर न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रियन है, और यहाँ न्यूक्लियस के आगे गोल्जी बॉडी के द्वारा यहाँ एक्रोसोम बनना यहाँ प्रारंभ हो जाता है, और धीरे धीरे केंद्र की जो शेप है वो भी बदलने लगती है, और केंद्र के आगे यहाँ टिप पर यहाँ जो एक्रोसोमल जो वेसाइकल है वो यहाँ टिप पर यहाँ सेट हो जाती है, और आगे चलकर धीरे धीरे केंद्र का आगे का पूरा जो पोर्शन है वहां पर एक्रोसोम बनकर वहां सेट हो जाता है। और केंद्र के पीछे यहाँ जो दोनों सेंट्रियल होते हैं उनमें से एक पीछे सेंट्रियल आ जाता है जिसे हम प्रोक्सिमल सेंट्रियल कहते हैं, और दूसरे सेंट्रियल जो उसके पीछे आके व्यवस्थित होता है उससे फिर फ्लेजिलम या टेल का एक्सियल फिलामेंट है वो बाहर निकलता है। और जो माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियन भी सारे अग्र भाग से यहाँ पीछे एक्सियल फिलामेंट के दोनों ओर आके एकत्रित होने लगते हैं, और धीरे धीरे इस सेल का आकार है वो लंबा होने लगता है, और सारे माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो टेल वाले भाग या कहें एक्सियल फिलामेंट के दोनों ओर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। और इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रियन सॉलिड बॉडी के रूप में यहाँ ठोस काय के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। इन्हें हम माइटोकॉन्ड्रियल का जो सर्पिलाकार जो आवरण है इसे अब हम नेबनकर्ण शीत कहेंगे, ये नेबनकर्ण शीत कहलाता है। जो माइटोकॉन्ड्रियल एक्सेल फिलामेंट के दोनों तरफ आके जो एकत्रित होते हैं इन्हें अब हम नेबनकर्ण का आवरण या नेबनकर्ण शीत कहेंगे। और साइटोप्लाज्म लगभग बाहर निकल जाता है, जो बचा हुआ साइटोप्लाज्म होता है
वो केंद्रक के दोनों साइड में या प्रिधीय भाग पर एकत्रित हो जाता है, उसे हम मेनसेट कहेंगे। और इस तरह से स्पर्मियोजेनेसिस के बाद में लास्ट में जो स्पर्म है या मेल गैमेट का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। केंद्रक ये इसके जस्ट आगे एक्रोसोम सेट हो जाता है, ये पूरी हेड वाला पोर्शन है और हेड में मैंने बताया आपको एक्रोसोम गोल्जी बॉडी से बना है, न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के पीछे सेंट्रियोल होता है, पहले प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये या डिस्टल सेंट्रियोल, उससे फिर एक्सियल फिलामेंट निकलकर स्पर्म की टेल का निर्माण करता है और इस मिडल वाले भाग में जो एक्सियल फिलामेंट है उसके दोनों ओर माइटोकॉन्ड्रियन का आवरण पाया जाता है, जिसे हम नेबनकर्ण शीथ या नेबनकर्ण का आवरण हम इसे कहेंगे। और जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो यहाँ प्रिधि भाग पर इकट्ठा हो जाता है, उसे हम मेनसेट कहेंगे। इस तरह से स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा गोलाकार जो स्पर्मेटिड हैप्लोइड सेल होती है उससे गतिशील और लंबे स्पर्म का या मेल गैमेट का निर्माण होता है, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहें। तो हमने देखा कि युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है, गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, उसे हम दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है जो कि मेल में टेस्टिस के भीतर संपन्न होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म का या मेल गैमेट का निर्माण होता है जो कि गतिशील गैमेट होता है, पुंचयुक्त गैमेट होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हम दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरा जो स्टेप होता है उसमें स्पर्मेटिड स्पर्म में रूपांतरित होता है, उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंत में या कहें स्पर्मियोजेनेसिस के अंत में एक गतिशील मेल गैमेट हैप्लोइड सेल का निर्माण होता है, उसे हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, जो निरंतर मेल एनिमल में बनते रहते हैं और ये ओम को फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। थैंक यू।